नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो 30 साल की परिपाटी होती आई है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा बहनों भाइयों। इस काम को आप लोग कर सकते हो, दौसा जिला कर सकता है, सिकराय के लोग कर सकते हैं। और आप लोगों पर मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा एक विशेष अधिकार है। इस क्षेत्र के लोगों ने, इस जिले के लोगों ने, हर कौम बिरादरी धर्म के लोगों ने हमेशा हमको विशेष आशीर्वाद दिया है। स्वर्गीय पायलट साहब यहाँ से 5-6 बार सांसद रहे, रमा जी नहीं, मैं भी यहाँ पर आपका बीच सांसद रहा। और मुझे याद है प्रियंका जी, मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आया 2004 में, मेरी चुनावी सभा थी, सोनिया गांधी जी विशेष रूप से यहाँ पर आई थी, दौसा कॉलेज में हमारी सभा थी। उनकी सभा से जो आशीर्वाद हमको मिला, मुझको मिला, मैं मात्र 26 साल की उम्र में यहाँ से सांसद बनकर गया था। मैं आज इस मौके पर सोनिया जी का भी और क्षेत्र की जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि दौसा की पहचान आज देश भर में कांग्रेस के एक मजबूत गढ़ के नाम से हो गई है। और आप लोगों का श्रेय जाता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपका दायित्व बढ़ गया है। पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान की जनता किस करवट बदलेगी। जब मुश्किल समय आता है, आप लोगों ने मुझे और हम सबको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। जब दिक्कत का समय आया, अच्छे समय में, खुशियों में सब शामिल होते हैं, लेकिन दुख, परेशानी, कठिनाई में सिर्फ अपने शामिल होते हैं। और यहाँ का जो संबंध है इस मिट्टी का, यहाँ के लोगों का, वो इस जीवन में तो टूटने वाला नहीं है, और मैं तो अगले में नहीं टूटने दूंगा, मैं आपको वादा कर जाता हूँ। और आज प्रियंका जी हमारे बीच में आई हैं, राहुल गांधी जी हमारे बीच में यात्रा कर गए थे। इस क्षेत्र की जनता ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को मदद करी है, ताकत दी है। हम लोगों ने बढ़िया काम किया है, आपके बीच में जो विकास हुआ है, हमारे मंत्री, जिले के 2-2, 3-3 मंत्री हैं, विधायक हैं, सब ने मिलकर आपका विकास किया है। आज हम उम्मीद आपसे करते हैं कि सभा के बाद एक ऐसी लहर जिले पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए कि एक एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर जानी चाहिए, एक एक सीट पर यहाँ पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का जीतना चाहिए। किसी का अगर कोई मनभेद है भी, छोटा मोटा मनमुटाव, उसको भूल जाओ। और जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब तो मोहब्बत की चर्चा कल भी हो गई, आज भी हम लोग कर रहे हैं, मोहब्बत आपस में जोड़नी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। और प्रियंका जी, आपके हर बार राजस्थान पर आने से कांग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टिकट दें। वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सब एकता से चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा की झूठ और पाखंड की राजनीति को समाप्त करने का जो क्षण आएगा, वो 25 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, ताकि भारी बहुमत के साथ राजस्थान में हम इतिहास कायम करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। मैं एक बार पुनः प्रियंका जी आपका स्वागत करता हूं। दौसा की जनता हमेशा पलक पावड़े बिछाए, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे आप हो, आपकी बात को हम लोग कभी इनकार करने वाले नहीं है। आप आह्वान करके चले जाओ, सारी की सारी सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालकर देंगे, यह मैं आपको जनता की तरफ से आश्वासन दे सकता हूं। आप सब इतनी भारी तादाद में आए, आपका धन्यवाद करता हूं। और एक बार, क्योंकि यहां ये पूरा देश देख ले, पूरा प्रदेश देख ले, राजस्थान की जनता, दौसा की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, जोरदार नारा लगाना, हाथ खड़े करके दोनों, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।